नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बिहार को लगातार सौगात दी जा रही हैं और अब इन सौगातों में दो चीज़ें और जुड़ गई हैं। हालांकि दोनों एक ही चीज़ें हैं, क्योंकि कोरोना को लेकर अब जो पीएम केयर्स फंड से पैसे दिए जा रहे हैं, आर्थिक मदद, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत में ही कहा था कि आप पीएम केयर्स फंड में जो पैसा डालेंगे उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री की होगी कि किसे उस पैसे को किस तरह से अब खर्च करना है और उस पैसे को किन राज्यों की तरफ भेजना है। क्योंकि आप याद कीजिए कि दिल्ली जिस वक्त में सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो सरकार ने ये नहीं सोचा कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो हमें अपनी चीज़ों को बदल लेना चाहिए, हमें थोड़ा सा बैकफुट पर रहना चाहिए, बल्कि यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि उस तरह से चीज़ें जो हैं वो बेहतर हुई हैं। खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को माना है कि केंद्र सरकार से काफ़ी मदद मिली, अमित शाह ने काफ़ी मदद की। जिस भी तरह की मदद मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी की तरफ से, उनकी सरकार की तरफ से कोई भी गया तो उसे केंद्र सरकार ने मुहैया कराया, चाहे वो वेंटिलेटर्स की बात हो, चाहे वो शुरुआत में पीपीई किट्स की बात हो। इसके अलावा अस्पतालों को लेकर भी जिस तरह की चीज़ें शुरुआत में देखने को मिल रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों में उस तरह से इलाज नहीं किया जा रहा है या उस तरह से वेलकम नहीं किया जा रहा है लोगों का जिस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमने दिल्ली में भी देखी। और इस वजह से पीएम केयर्स फंड का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है अब, क्योंकि अब जैसे जैसे कोरोना का जो रेट है वो धीरे धीरे गिरने लगेगा, वैसे वैसे हर राज्य को वापस अपनी स्थिति में पहले की तरह आना है। और उसके लिए इकोनॉमिक, कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिहाज से आपको पैसा जो है वो देना पड़ेगा हर राज्य को। और इसीलिए जो खबर हमारे पास निकल कर आई है वो यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो पीएम केयर्स फंड है, जो ट्रस्ट है, उसने बिहार के पटना और मुजफ्फरपुर में 500 बेड का जो है वो कोविड अस्पताल को फंड का देने का जो है वो फैसला लिया है। और इससे, क्योंकि देखिए बिहार में, इसे आप इस तरह से देखिए कि बिहार में चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी जो है वो रूरल एरियाज की तरफ बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर देंगी अगर वहाँ तक जल्दी इलाज नहीं पहुँचा। तो चाहे वो पटना हो, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, कोशिश ये की जा रही है कि जो ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम डेवलप्ड नहीं है या जहाँ पे जो परेशानी है, वो अगर एक बार कोरोना गया पहुँचा तो बहुत तेज़ी से फैल सकता है और रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो उस लिहाज से ये सारी की सारी तैयारियाँ की गई हैं और उन तैयारियों के लिहाज से ही अब हर एक राज्य को इसी तरह से देखा जा रहा है कि कहाँ पर, किस जगह पर जो है वो बेहतर सुविधाएँ पहुँचाई जा सकती हैं, आर्थिक मदद दी जा सकती है, अस्पतालों को लाया जा सकता है। और इन्हीं सूची में ये जो दो, पटना और मुजफ्फरपुर का नाम आ रहा है, ये इसी सूची में शामिल है, क्योंकि निश्चित तौर पर बिहार उन राज्यों में है जहां पर कोरोना इस वक्त पे अगर आप देखें तो जो रेट है कोरोना का फैलने का वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि चुनाव आयोग ने जो चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है उसमें भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि पोस्टपोन होंगे चुनाव या चुनावों में किसी तरह की कोई मेजर तब्दीली होगी। बस कुछ सेंटर्स ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हैं ताकि जो आइसोलेशन है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो मेंटेन रह सके। इसके अलावा और कोई ऐसा तर्क नहीं दिया गया है जिसे देखते हुए ये लगे कि बिहार में हालात बहुत ज़्यादा खराब है। तो हालात हर जगह सुधर रहे हैं, बस जरूरत है अब आर्थिक मदद की, जो कि केंद्र सरकार की तरफ से पहुंचानी शुरू की जा सकी है और जिसकी शुरुआत जो है वो पटना और मुजफ्फरपुर की तरफ से हो गई है। 500 बेड के अस्पताल वहां पर मिलेंगे कोरोना के अगेंस्ट। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइए, इन्फॉर्मेशन दीजिए हमें कमेंट करके, ताकि हम इस तरह की और स्टोरीज को चला पाएं, और शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।